मुश्किलों से हम अक्सर डर जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो डटे रहते हैं और विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए सफलता का रास्ता चुनते हैं। आज आपको बिहार के बेतिया के मझौलिया प्रखंड में रहने वाले ऐसे ही एक शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने कोरोना की आपदा को अवसर में बदल दिया और कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी नहीं थक रहे। बेतिया के रहने वाले प्रमोद जी दिल्ली में एक टेक्नीशियन के रूप में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने इस फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझा, लेकिन कोरोना के दौरान प्रमोद जी को अपने घर वापस लौटना पड़ा। आप जानते हैं लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया? उन्होंने खुद एलईडी बल्ब बनाने की एक छोटी सी यूनिट ही शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया। आज हम बहुत खुश बानी कि प्रधानमंत्री तक मन के बात में हमारे खबर गए। बहुत अच्छा लागल हमरा। हम रक्सौल से माल देके आवत रहनी है तो हमरा लगे कम से कम 200 कॉल आयल हवे। हमरा बहुत अच्छा लागल है और समझ जाए कि जे हमरा मतलब आज अपना हिसाब से हम 9 से 10 लड़का के काम देता नहीं। हम आज सरकारी मदद मिली थी और आगे एकरा के बढ़ाएं हम काम के। कम से कम 50-60 लड़का के रोजगार हम दें। हम तो आत्मनिर्भर बनले बानी और लोग के भी बनाएं आत्मनिर्भर। प्रमोद ने अपने हौसले को कभी हारने नहीं दिया। अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गांव में ही एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। क्योंकि प्रमोद पहले भी दिल्ली में यही काम करते थे, इसलिए उन्हें कोई खासी दिक्कत नहीं हुई। प्रमोद अब रोज 1000 एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन करते हैं। दिल्ली के फैक्ट्री में हम काम करते रहनी, जब लॉकडाउन लागल तो बहुत परेशानी के सामना झेलनी हम। और अनी घरे ट्रेन वन चालू हुए सन, बस वस चालू हुए सन, तो अनी घरे अपन जने 100-200 बनावत रहनी अपने अकेले। ओकर बाद गाँव के लड़का मिल लो, उ लोग के सिखैनी अपन, मतलब बैठा के सिखैनी 2-4 महीना। इतने करते करते आज 1000 एलईडी प्रतिदिन बना लेनी। प्रमोद की सफलता की कहानी जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को सुनाई है, तभी से प्रमोद काफी खुश है। प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन के बाद प्रमोद ने ठान लिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और सफलता के नए आयाम लिखेंगे। बेतिया से रामेंद्र गौतम की रिपोर्ट, बिहार तक।